आपकी बैकग्राउंड रांची से इतना हम्बल बैकग्राउंड तो एक इंडिविजुअल ये एक एग्जांपल लिया जाएगा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके मैं एक लड़की हूँ तो लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आजकल जहाँ तक देखा जाए तो हर वक्त लड़की ही आगे होते हैं, लेकिन हम लड़कियाँ भी आजकल पूरी कोशिश करिए कि हम उनसे आगे हों, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और ज़रा बताइए कैसा लगा, क्या फीलिंग हुई थी आपकी? फील की बात करें तो जहाँ तक हमारा जो कॉम्पिटिशन था वो बहुत टफ था और इसके और वेदर भी कुछ ठीक नहीं थे, विंड्स बहुत थे। जब हम यहाँ पे 23rd को ट्रेनिंग के लिए आए थे तो काफ़ी विंड थे, लेकिन जब हमारा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ तो बहुत कम हो गया, फिर से जब हमारा हुआ तो फिर स्टार्ट हो गए, तो बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि समझने में, तो उस विंड को समझने के साथ स्कोर अच्छा करना बहुत मुश्किल बात होती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। और जब मेडल पहना जा रहा था तो ऐसा लगा जैसे बोलते हैं दूसरे कंट्री में हम जाते हैं, और जब हमारा फ्लैग पहले नंबर पे हो गया, हमारा नेशनल एंथम बजता तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, जो हर एक स्पोर्ट्समैन चाहता है, तो उस टाइम का फील कुछ अलग ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। दीपिका, आपकी आप एक बहुत ही स्मॉल टाउन से हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड है आपका, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स गोल्ड मेडल मिला है आपको, इट्स एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यूज़ किया जाएगा आगे के जनरेशन के लिए, तो क्या हाउ ट्रेनिंग कैसे किया आपने, ट्रेनिंग में क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ट्रेन इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए? और यहाँ तक हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स में वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आए अभी तक, क्योंकि मैं 2007 में आर्ची स्टार्ट की थी और मैं फर्स्ट सरायकला खरसा में थी, वहाँ पर मैं इंडियन राउंड चलाती थी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि वो इक्विपमेंट्स वहाँ से मुझे मिल जाते थे। जब 2008 में मैं टाटा स्टील, वहाँ पर एक टाटा अच्छी अकेडमी है जहाँ की बोल धर्मिंदर सर और पूर्णिमा मैडम है, उनके थ्रू मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी, तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो मुझे दे देते हैं, और आज तक अभी तक इक्विपमेंट्स के प्रॉब्लम अभी तक मुझे कहीं से नहीं है। कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम जब नेशनल एंथम बज रहा था, आप पोडियम पे खड़ी थी गोल्ड मेडल, और क्राउड सपोर्ट इतना बढ़िया, शायद पहली बार आपने देखा होगा? एज ए गर्ल तो बहुत खुशी मिलती है कि उसकी वजह से इसका देश का झंडा सबसे पहले नंबर पे है, तो बस एक बहुत खुशी होती है, दिल को इतना सुकून मिलता है जैसे चलो हम भी कुछ अपने देश के लिए कुछ काम आ सके। दीपिका, आप अपने पिताजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आपके परिवार का पूरा सपोर्ट रहा था? बहुत काफ़ी कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मेरे मम्मी पापा वो हमेशा चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो पहले बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं काफ़ी छोटी थी और घर में मतलब बोले कि तुम कैसे मैनेज कर पाओगी घर से बाहर रह के, इसलिए बोले थे स्टडी करो, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, तो अभी सब कुछ ठीक है, पापा बहुत खुश है मेरे और हमेशा बोलते रहते कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। कैसा लग रहा है हिस्टेरिया, इतने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपने लिया, ओवरऑल एटमॉस्फेयर, ओवरऑल फीलिंग, ओवरऑल आपके टीममेट्स का रिएक्शन, एथलीट्स का इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का, जो आपके कंपेरेटर्स थे उनका रिएक्शन, कैसा रिएक्शन लग रहा है? काफ़ी कुछ, क्योंकि जब मैं एलिशन से मैच चल रहा था मेरा फाइनल मैच, तो उसने भी बोला कि काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरा, क्योंकि विन में इतना अच्छा स्कोर माना किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए इम्पॉसिबल होता है, तो जब हम टीम खेल रहे थे तो टीम में जैसे हम 9-8 मारते थे इसलिए हमारा स्कोर डाउन हो जा रहा था, वो लोग 7 मारे थे तो 10 मारने की वजह से उसका स्कोर कम हो रहा था, लास्ट में हम तीनों मेंबर ने अच्छा मारा, सब येलो के अंदर रखा और उन्होंने ख़राब मारे क्योंकि प्रेशर की वजह से और विंड की वजह से भी, तो उसके बाद लास्ट में वो लोग 6 और 8 मारते तो हम लोग जीत गए। और इंडिविजुअल की बात करें तो मैं डोला दी चाहती थी कि मेरे बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके साथ में रहती हूँ, तो मैं चाहती थी कि फाइनल में उनके साथ खेलूँ, तो अनफॉर्चुनेटली वो हार गई तो मुझे बहुत दुख लगा एलिशन के साथ, तो और अगर हम दोनों एक साथ रहते फाइनल में तो कोई भी हारता जितना तो दुख नहीं लगता क्योंकि हमारा गोल्ड मेडल इंडिया को ही जाता, एक इसमें थोड़ा सा प्रेशर था कि नहीं मुझे जीतना है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मारा तो बहुत उस टाइम बहुत फील इतना अच्छा फील हो रहा था कि चलो इंडिया गोल्ड मेडल वो इंडिया के पास ही रहेंगे। आपको आर्चरी का शौक कैसे चला? आर्चरी का शौक बोलते ना जब एक बच्चे को कुछ खाने का मन करे तो वो सिर्फ उसी चीज़ को मांगते जो उसे खाने का मन है, बस उसी तरह मैं आर्ची में ज़्यादा थोड़ा जब मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इसे ही एक इंडियन राउंड के बारे में मुझे बताया कजिन सिस्टर ने, बस उसी को देख के सुन के बस इंटरेस्ट आ गया कि नहीं मुझे भी आर्ची करना है आर्ची। और अब आर्ची एक इंटरनेशनल मैप पर आ गया, इंडियन टीम का क्या पोजिशन है कंपेयर वर्ल्ड वाइड? इंडिया टीम भी बहुत पॉजिटिव काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है इंडिया, और जहाँ तक कि हम रिकव बॉयज़ की बात करें तो बहुत वो पहले नंबर पर इंटरनेशनल लेवल पर थी, तो बहुत अच्छा लगता है, और हम भी अभी जो रिकव लड़के हैं हम टीम
स्कोर बहुत इम्प्रूव कर चुकी है. जैसे हम काफ़ी वर्ल्ड कप खेलते आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर होते आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस आता रहा है कि हम हर जगह से मेडल लेके आ रहे हैं, तो बहुत इम्प्रूव हो गया है. आगे भी कोशिश करेंगे, जैसे अब एशियन गेम्स आ रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें. और लास्ट क्वेश्चन दीपिका, इतनी यंग एज में गोल्ड मेडल्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज भेजना चाहेंगे? यही भेजना चाहूँगी कि छोटे बड़े में फ़र्क ना समझे, जो बड़ा कर सकता है वो भी छोटा कर सकता है, बस उसमें करने की हिम्मत होनी चाहिए, बस अपने आप कॉन्फिडेंस लाओ, सब कुछ आगे मिलते जाएगा. जय हिंद. जय हिंद.